गुजरात के पाटण में साल 2019 में अपने सगे भाई और 14 महीने की सगी मासूम भतीजी को पोटेशियम साइनाइड और धीमा जहर देकर मारने वाली अपराधी डॉक्टर किन्नरी पटेल ने इस बार अपने ही महिला वकील को जान से मारने की धमकी दे डाली। जी हां, इस मामले में महिला वकील ने अहमदाबाद के 16 पुलिस थाने में डॉक्टर किन्नरी पटेल के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराई है। डॉक्टर किन्नरी पटेल ने अपनी ही महिला वकील को फर्जी गवाह और फर्जी दस्तावेज खड़े करने के लिए दबाव बनाया और इस मामले को लेकर जब महिला वकील ने इनकार किया तो डॉक्टर किन्नरी पटेल ने अपनी ही महिला वकील को पोटेशियम साइनाइड नामक जहर देकर जान से मारने की धमकी दे दी। इस धमकी में किन्नरी पटेल ने यह भी कहा कि मेरे पास अभी भी साइनाइड पड़ा हुआ है, मैं तुम्हें वो पोटेशियम साइनाइड देकर मार डालूंगी। मामला इतना गंभीर हुआ कि महिला वकील ने इस मामले में 16 पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। ये पूरा मामला 2019 का क्या था, इसे भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। साल 2019 में पाटन से ये खौफनाक मामला सामने आया जिसके अंदर महिला डेंटिस्ट डॉक्टर किन्नरी पटेल ने अपने ही घर में अपने ही सगे भाई को और अपनी ही भतीजी को पोटेशियम साइनाइड और धतूरा का धीमा जहर देना शुरू किया। किन्नरी पटेल की हम बात करें तो किन्नरी पटेल अपने भाई नरेंद्र पटेल के घर में एकाधिकार को लेकर काफ़ी नाखुश थी और इसी जलन को लेकर उसने मन में फैसला लिया कि मैं अपने भाई को और अपनी भतीजी को और उसके बाद अपनी भाभी को भी पोटेशियम साइनाइड देकर जान से मार डालूंगी। और धीरे धीरे ये मामला जो है किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। किन्नरी की हम बात करें तो किन्नरी पटेल ने पोटेशियम साइनाइड लेने के लिए अहमदाबाद के एक आभूषण व्यापारी का संपर्क किया, उससे संबंध बनाए और उसके बाद में उसको विश्वास में लेकर ये पोटेशियम साइनाइड हासिल किया। पोटेशियम साइनाइड हासिल करने के बाद में किन्नरी ने पोटेशियम साइनाइड का टेस्ट करने के लिए उसने एक मकड़ी और चींटी मकोड़ों पर पोटेशियम साइनाइड को इस्तेमाल किया। जब उसे देखा कि पोटेशियम साइनाइड की वजह से ये जीव जंतु मर जा रहे हैं तो उसने अपने भाई को पोटेशियम साइनाइड देना शुरू किया और उसके बाद अपनी ही भतीजी को भी उसने पोटेशियम साइनाइड देकर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस मामले की संदिग्धता के चलते किन्नरी के पिता ने ही किन्नरी के खिलाफ में शिकायत दर्ज कराई और उस शिकायत के बाद में पुलिस ने जाँच की। उस जाँच के अंदर ये पाया गया कि किन्नरी पटेल ही अपने भाई और अपनी भतीजी की हत्यारी है। इसलिए इस मामले में पाटन की जो जिला कोर्ट है उसने किन्नरी पटेल को उम्र कैद की सजा सुनाई। फिलहाल किन्नरी जमानत पर है और इस मामले का केस जो है अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। अब देखना ये होगा कि अपने भाई और अपनी भतीजी की हत्यारी और फिलहाल जमानत पर चल रही किन्नरी पटेल ने जो धमकी दी है अपनी महिला वकील को, इस मामले में 16 पुलिस किस तरह से जांच करती है और इस जांच के बाद में क्या सामने आता है और डॉक्टर किन्नरी पटेल के खिलाफ में क्या कार्यवाही की जाती है।